हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय शेयर एंड कंचन डेली लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज है जीतिया का व्रत और मैंने व्रत किया हुआ है, और मैं आप सभी को, मेरी सभी बहनों को जीतिया की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जिनके बच्चे हों उनकी गोद हमेशा हरी भरी रहे, और जिनको अभी बच्चा नहीं है, जो इस साल प्लान कर रही या चाहत है जिनको बच्चे की, तो जीतिया गुसाई उनको जल्दी से जल्दी उनकी गोद हरी कर दे और उनका भी जीवन खुशियों से भर दे, उनका गोद हमेशा भरा रहे। तो बस ढेर सारी कृपा बनी रहे हमारे बाल बच्चों पे, और उनकी उम्र दराज हो, लंबी हो और खुशनुमा ज़िंदगी हो उनकी, बहुत प्रोग्रेस करे, सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में। मैं यही दुआ प्रार्थना करती हूँ अपने बच्चों के लिए, सभी के लिए, सभी के बच्चों के लिए। तो देखिए, मैंने कल मेहंदी नहीं लगाई थी, तो अभी मैंने देखी, जैसे थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया, मैंने लगा लिया है। एक हाथ में लगाया है, इस हाथ में अभी बाकी है, इसमें नहीं लगाया अभी तक। और व्रत में हूँ, दवाइयाँ वगैरह आज तो बंद है, आज तो पानी क्या ब्रश तक नहीं करते हैं हमारे यहाँ, जीतिया में नहीं होता है, बाल नहीं झाड़ते हैं, कुछ ब्रश नहीं करते हैं, कुछ तोड़ा नहीं जाता है। मतलब बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत ही कठिन व्रत होता है आज का, तो वो सारे नियम हम पालन करते हैं जैसे हमें बताया गया है। और ये व्रत ना सिर्फ मतलब हमारे बच्चों के लिए तो है ही, हमारे बुजुर्गों ने भी ये बताया है, जो बड़े हैं हमारे सासू मामा जो भी हैं, उन्होंने हमें बताया है कि ये व्रत, जो बुजुर्ग इस दुनिया में नहीं है, हमारे जो पितर जिन्हें कहा जाता है, पितर लोग, उनके लिए भी ये व्रत होता है। तो बहुत मतलब नियम से करने वाला बहुत ही कठिन व्रत होता है, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स होते हैं इसमें। एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है, कल का नहा खा का मैंने व्लॉग डाला ही, मैं तो बीमार थी तो सही से मैं व्लॉग उतना नहीं, मैं डीपली जो एक डिटेल में बनाते हैं ना, मैंने सोचा था इस बार मैं बनाऊंगी कि कैसे कैसे क्या होता है, लेकिन मैं नहीं बना पाई। खैर, अब अगले साल देखती हूँ, उस साल मैं, अगले साल मैं करके दिख व्लॉग अच्छे से बना के समझाऊंगी आप लोगों को कि कैसे क्या होता है। तो बहुत कुछ ऐसे भी होता है ना कि जो पितृ लोगों के लिए हम लोग पूजा पाठ करते हैं, चीलों से यार इनको भोग दिया जाता है, वो बहुत कुछ होता है। तो खैर, अभी तो मैं ऐसे पड़ी हुई हूँ। इस व्रत में ना हम लोग शाम के टाइम में नहाते हैं, मतलब शाम की क्या, मतलब 3 या 4 बजे से हम लोग नहाएंगे, नहा के फिर से जो पूजा करनी होती है वो करेंगे। और इस वक्त शुभी स्कूल अपने पापा के साथ जा चुके हैं अपने थेरेपी क्लास के लिए, तो मैं अकेले अभी बैठी हुई थी और सोचा कि चलिए आप लोगों से थोड़ी बातें कर ली जाए, आप लोगों को विश कर दिया जाए। और आरुष की भी छुट्टियां अब शुरू हो गई, उनका फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट मिड टर्म का जो टेस्ट था वो कल ही कम्प्लीट हो गया है, और आज से 1 हफ्ते की, 8 दिन की छुट्टी उनको मिली है। और जिस दिन नवरात्रि का पहला कलश है ना, उसी दिन उनका स्कूल भी स्टार्ट हो रहा है, मतलब उनको स्कूल भी भेजना रहा है। हर साल क्या रहता है ना कि नवरात्रि के टाइम में छुट्टियाँ रहती हैं, तो ठीक रहता है, वो स्कूल भेजने की हड़बड़ी नहीं रहती, लेकिन इस बार देखिए अलग है सब। चलिए, मैं फिर आपसे शाम में मिलूंगी, पूजा के टाइम में हो सके तो, और देखती हूँ ये मेहंदी तो मेरी लगभग सूख ही गई है, इस हाथ में सोच रही हूँ लगा लूँ या काजल से लगवा लूँगी, देखती हूँ, वो भी तो लेटी होगी। वैसे तो मैं लेफ्ट हैंड से भी अपने राइट हैंड में लगा लेती हूँ मेहंदी, आपने देखा भी है मैंने कई बार लगाया है, लेकिन आज ना मैं सोच रही थी कि लगाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी और कमज़ोरी, बहुत वीकनेस सी हो रही है मुझको, तो मैंने कहा कि नहीं एक बार पूछ लेती हूँ काजल से क्या कर रही है, तो वो झट से आ गई, बोली कि नहीं तुम रहने दो मैं लगा देती हूँ। तो देखिए अभी वो आके मेहंदी लगा रही है। तो दोस्तों, मैं मेहंदी लगा के ना सो गई थी, और अभी मैं जा रही हूँ नहाने, शाम के 4 बज रहे हैं और नहाने जा रही हूँ, चेहरा मेरा अजीब सा स्वेलिंग जैसा लग रहा है ना, मेहंदी लगा के सो गई थी मैं, करना भी क्या है, कुछ करना तो है नहीं। और अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहा कर आऊँगी तो तैयार होंगी और फिर पूजा की तैयारी भी होगी, ऊपर छत पे जाएंगे, दीदी लोग आएंगी। चलिए पहले दोस्तों, मैं तैयार हो गई हूँ, नहा के ब्रश व्रश तो करना नहीं है,
तो मन थोड़ा सा अजीब सा बस लगता है, क्योंकि ना इसे खड़ जीवतिया कहा जाता है, तो दांत के पास कुछ भी हम लोग ला नहीं सकते, तो ब्रश भी नहीं करना है, दातुन वातुन कुछ नहीं, बस नहा ली हूँ, साबुन वाबुन कुछ भी नहीं लगाया है। और अब ये मैंने ये साड़ी ना मेरी नीतू दीदी ने दिया था, रक्षाबंधन में पहना था मैंने ये साड़ी। और चलिए अब पूजा की तैयारी करती हूँ, ये जीतिया का व्रत का था, ये भी बुक मैंने अपने सासू माँ से मंगवाया था। और चलिए मैं अर्घ देती हूँ, तो बस फल की तैयारियाँ कर देती हूँ। आइए मैं जब नहाकर आई थी ना, तो सच बताऊं दोस्तों, मुझे ज़रा भी प्यास वगैरह कुछ नहीं लग रही थी, लेकिन कमज़ोरी इतनी ज़्यादा लग रही थी, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी लग रही थी ना कि मैं क्या बताऊं। मैं तैयार नहीं हो पा रही थी, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मतलब हाथ से ना कैसे थोड़ा काजल लगाना है या बिंदी लगानी है, सिंदूर लगाना है, मतलब ना हाथ एकदम से कांप रहा था, बहुत ज़्यादा हिल रहा था मेरा शरीर। समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे रेडी हो जाऊं, लेकिन जैसे तैसे मैंने रेडी हुई अच्छे से। साड़ी भी नहीं पहन पा रही थी, साड़ी का जो पल्लू मुझे पिनअप करना था ना, तो दीदी आई थी तो मैंने उनसे कहा कि ज़रा पिन लगा दो, मुझसे हो ही नहीं रहा था ज़रा सा भी। बस प्यास नहीं लगी रही थी, ये मैं बोलूँगी, मुझे प्यास नहीं लग रही थी, मैं अच्छे से कंडीशन में थी अभी तक, लेकिन शरीर मेरा मेरे बस में नहीं था, बहुत ज़्यादा मैं कांप रही थी। फिर भी जैसे तैसे मैं तैयार हो गई, और यहाँ पे अब पूजा की जो भी सामग्री है वो मैं इकट्ठा करके रख रही हूँ, और ये दोनों जूतियाँ भी मैंने रख लिया है। जूतियाँ वैसे एक ही धागे में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप लोग मेरे दो धागे में देख रहे हैं, लेकिन इस साल ये एक धागे में हो जाएंगे। मैं भिजवाऊँगी अपनी सासू माँ के पास, वहाँ पर वो एक मोती में पिरो के मुझे भिजवा देंगी। जैसे जैसे बच्चे पैदा हुए थे मेरे, वैसे वैसे दोनों जीतियाँ मेरे पास आया था। जब शुभी पैदा हुआ तो सासू माँ ने एक जीतिया बनवाया, फिर दूसरा बच्चा हुआ तो दूसरा जीतिया बनवाया, इस तरह से ना वो अलग अलग हो गए हैं। लेकिन अब अगले साल मैं दोनों को एक ही धागे में करवा लूँगी, एक ही धागे में रहना चाहिए। और बाल वगैरह तो झाड़ते नहीं है, कंघी नहीं करना चाहिए। जिसके सास ससुर, सास तो मेरी वैसे हैं, भगवान करे अभी वो रहें, ससुर जी नहीं हैं, तो इसलिए ना बाल वगैरह नहीं झाड़ते हैं। तो मैंने ना बस उंगली से ही, अपने हाथों से ही जैसे एक जूड़ा बना लिया था, पिन डाल लिया था उसमें, तो वो भी जैसे तैसे हो गया था, ठीक ही लग रहा था। बाकी अब जितना भी श्रृंगार करो वो ठीक है, लेकिन बाल नहीं झाड़ना चाहिए। बाल झाड़ने से क्या होगा, बाल टूटेंगे। ये ऐसा माना जाता है ना कि हमें कुछ भी तोड़ना नहीं चाहिए इस व्रत में, तो बस इसीलिए बाल को नहीं झाड़ा जाता है। तो मैंने बाल नहीं झाड़े थे, बस ऐसे ही अपना जूड़ा बना लिया था। और छत पे भी देखिए, यहाँ पे पूजा की तैयारियाँ हो गई हैं, और मैं अर्घ दूंगी। अर्घ सिर्फ मैं ही देती हूँ, मेरी बहनें नहीं देती हैं। यहाँ पे मेरा पल्लू ही नहीं मिल रहा था, पल्लू मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी हाथ से ना, मतलब हाथ मेरा काम ही नहीं कर रहा था, मैं बताया ना, मेरा हाथ ही कांप रहा था बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे पुच्चू ने मेरे पैर छुए सब, यहाँ पे ना दीदी भी अभी अपना साड़ी का पिन लगवा रही थी भाभी से, उनके भी हाथ से नहीं हो पा रहा था शायद। और यहाँ पे सारा जो धागे का एक जीतिया बनता है, सिर्फ धागे का, तो यहाँ पे तो मिलता है नहीं, गांव पे तो यूपी बिहार में ना वो मिल जाता है, मार्केट में ना बनाते हैं बहुत सुंदर सुंदर धागे के जीतिए, लेकिन यहाँ पे तो मिलता नहीं है वैसा। तो लाल रंग के धागे से वो हाथ से ही घर में एक बना लिया जाता है, हम लोग बना लेते हैं घर में ही। तो दीदी यहाँ बना के लेकर आई थी, तो वहाँ पे सब निकाल निकाल के सबका रख रही थी वो। मेरा भी घर का भैया आ रहा, देख लो कान लेके आवा रुश, मेरे भी घर का भैया देख लो, इधर 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 काम पहले बोलो सभी प्रति अगर तेरे को ना बोलते तो बोलो ना बोलते ये सुबह इसे ना दो बार थोड़ा थोड़ा पानी मिला लो बेटा, सब बच्चे लोग दो बार ठीक से लेकर देंगे हमने कमी देखा है वो ही मिलेगा पापा। अच्छा बना लो, अच्छा बना तो अच्छा देखिए आप ही देखो, अच्छा ठीक है वो तुम उसे सीख लेना क्या इधर इधर गिराओ सामने यहां दिया था दिया था तुम मत बोलो, तुम गिरा गिरा जैसे गिरा गिरा दोनों मत गिरा अरुष आओ तुम भी अरुष कितना अच्छा तुमने लगा एकदम पूरा तरह की गाना भैया
गोपी की आवाज कहाँ से आ रही है? ये तो कहाँ आओ ए बच्चा लोग आओ आइसमन वहाँ दे दो आइसमन वहाँ का दे दे कुछ हटो वहाँ से अबे तो कुछ दिखाई नहीं खाती बना बना हो गया भाई माने किया क्या कर दी ये रिसा खाली हो गया इसको चला हां दे कुछ दे कुछ दे आज दोनों करो तुम लोग
जाओ मौसी का भी पहन जाओ मौसी हां गौर बेटा पहना जीतिया जैसे आपने देखा सारा का सारा जीतिया ना सबसे पहले बड़े बेटे के गले में डालना चाहिए, उसके बाद छोटे बेटे के गले में डालने के बाद उनको पहनाने के बाद तब जाके हम माएँ अपने गले में डालती हैं। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया और दीदी के बच्चे तो यहाँ पे हैं नहीं, तो वो भी मेरे ही बच्चों को उन्होंने पहनाया और उसके बाद वो अपने गले में डालेंगी, डाल चुकी थी वैसे वो। तो दोस्तों आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।